हेलो दोस्तों, मैं ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे धान की फसल तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं आप। आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी धान की फसल कैसी है और कहां कहां धान की फसल तैयार हो चुकी है। तो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं फार्म पर। और दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी देंगे कि हम धान में अपने कौन कौन सी इस समय दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, बताते हैं। और आप लोग ज़रूर हमें कमेंट में बताएं कि हमारा धान कैसा है और फसल कैसी है और कहां कहां तैयार हो चुकी है धान की फसल, गैस ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कुछ। तो दोस्तों, फाइनल ही पहुंच गए फार्म पे, देख सकते हैं आप। और घोल बन के तैयार हो चुका है, देखिए। और हमने कौन सी दवा यूज की है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमने दवाई की किसके लिए आती है, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। और कौन कौन सी दवाइयां मैंने यूज़ की हैं, चलिए मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये सारी दवाइयां यहां लाके हमने रख दी हैं, देख सकते हैं। और कौन कौन सी दवा किस किस काम में आती है, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। जुड़े रहिए आप मेरी वीडियो के साथ। मैंने जो आपको इससे पहले जो दिखाई थी, ये जो दवा दिखाई थी मैंने आपको, इस दवा का काम क्या है, जो अपना ये देख सकते हैं, ये पीलापन मर रहा है, कहीं कहीं बन की शिकायत आ रही थी, इसलिए हमने डाइनोहिट डाला है। इसका काम क्या है, कीटनाशक है ये। इसका लंबा समय है, करीब 25 से 30 दिन का, और बहुत ही बढ़िया काम है इसका, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, देख सकते हैं गाइस आप लोग। और एक चीज़ हमने और डाली है, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। दाने फुलाने के लिए दाना चमक आनी चाहिए दाने में, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ।